वाह, आप ये देखिए सुपर टेस्टी सब्जी, बहुत ही हेल्दी बनी हुई है। आइए चलते हैं इसे श्रीकांता की रसोई में, जहाँ ये बनी हुई है। ये देखिए रसोई में आपका स्वागत है। और ये देखिए क्या है, ये है कैबेज। तो आज मैं देखिए एक अलग तरह की सब्जी बनाऊंगी, जो आप एक बार बना लेंगे ना तो आप एक रोटी जगह चार रोटी खाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, ये कैबेज लिया है, बंद गोभी जिसको पत्ता गोभी भी कहते हैं, और साथ में देखिए ये एक बॉल मटर लिया हुआ है, और एक मैंने ये ब्रोकली लिया हुआ है। बहुत ही इसमें फॉलिक एसिड होता है, बहुत ही अच्छा ये होता है ये, और साथ में प्याज लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस पत्ता गोभी की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैं ये ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसमें आधा यूज़ करूँगी, आधा फिर किसी दिन नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। ये देखिए मैंने आधा ले लिया ये, और इसके इस तरह के जो पत्ते होते हैं ना ये बेकार होते हैं, तो इनको मैंने हटा दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए एक एक कैसे लेंगे, और ज़्यादा हमको पतला नहीं काटना है, ऐसे 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 काटते जाएंगे। देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी, एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा इसी स्टाइल से भी, कि इसमें देखिए पत्ता गोभी भी है, मटर भी है, और साथ में ब्रोकली हमने इसमें डाली हुई है। तो सभी अच्छी सब्जियां हैं और सब हेल्दी हैं। ये देखिए इसे लिया मैंने, और इसको मैं इस तरह से मैं अपना ये तो मैं काट रही हूँ, आपको जैसी इच्छा हो वैसे ही आप कर सकते हैं। पर ये जो इसका बीच का ये हिस्सा होता है ये हम निकाल देंगे, क्योंकि ये गलता नहीं है जल्दी से। तो ये देखिए फिर इसको हम इस तरह से ये देखिए सब काट लिया है। इसी तरह से मैं ये और प्याज सब काट लेती हूँ। ये देखिए काट लिया, अब इसको गर्म पानी में डाल देते हैं, 10 मिनट के लिए गर्म पानी में इसको डाल देते हैं। ये देखिए ये प्याज भी काट लिया, ये ब्रोकली काट ली, ये देखिए, और ये देखिए ये जो इसके पीछे डंडी होती है वो फेंकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होती है। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो डालती हूँ, और आप भी अगर डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं सबको वॉश कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। बंद गोभी को मैंने जो पत्ता गोभी था उसको गर्म पानी में डाल दिया, इसको भी प्याज को छोड़ के इसको दोनों को भी गर्म पानी में डाल देती हूँ। लहसुन, अदरक, और ये जीरा, तेज पत्ता, और ये देखिए हींग, और ये देखिए बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये मैंने इतना डाल रखा है। अब मैंने इधर ही मटर डाल रखी है, और मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करूँगी, बहुत कम मसाले में बनाऊँगी। ये देखिए मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें 2 बड़ा चम्मच जो है वो मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं तेज पत्ता डाल दूँगी, काली मिर्च डाल दूँगी, देखिए और अब लहसुन डाल देंगे। अदरक भी डाल देंगे और जीरा, सबको एक साथ सौटे कर लेते हैं, और थोड़ी सी हींग। ये थोड़ा सा सौटे करने के बाद इसमें प्याज डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको चला देते हैं, इसका कच्चापन दूर कर देते हैं। अब ये प्याज डाल देंगे, देखिए प्याज डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं बहुत कम मसाले का यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। जब ये भून जाएगा तब इसमें ये मटर डाल देंगे, तो भी थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। ये देखिए ये हो गया इस स्टेज पे, इसमें ये मटर डाल देते हैं, ये थोड़ा सा मटर को भी इसमें गला लेते हैं। ये देखिए और हमने कोई लाल मिर्च का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं थोड़ी सी इसमें ये काली मिर्च डाल देती हूँ।
और टमाटर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए कि मैं थोड़ा इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी, लेकिन बाद में। अब इसमें थोड़ा सा साल्ट डाल देते हैं जिससे कि ये अच्छे से गल जाए, तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग साल्ट डाल लीजिए। देखिए साल्ट डाल दिया है, तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे एक चम्मच के करीब छोटी, ये देखिए, ये देखिए हल्दी डाल दिया है। अब इसमें मैं एक चम्मच जीरा डाल, ये धनिया पाउडर डाल देंगे, और लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाला मैंने इसमें, और इसको ढक देते हैं गैस को स्लो करके। ये देखिए ये मटर हो गए। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें अपना जो मैंने पत्ता गोभी और ब्रोकली को काट के रखा था, ये देखिए, तो उसको इसी में डाल देते हैं। तो धो लिया था गर्म पानी में खूब अच्छे से, क्योंकि सब्जियों को वॉश करना उतना ही ज़रूरी जितना आप बनाते हैं, इतनी सफाई से उतनी सफाई से इसको धोना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सब्जियों को हमेशा जो है पहले धो लीजिए तभी काटिए, लेकिन हमारे कैबेज ऐसा होता है ना कि इसको मुझे गर्म पानी में डालना ही पड़ता है। तो देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे, और मैंने इसमें और कुछ खटाई डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा गल जाने के बाद, अगर हम पहले खटाई डाल देंगे तो ये गले में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं थोड़ा खटाई आखिरी में डालूंगी, लास्ट में थोड़ी सी अमचूर पाउडर। मैंने टमाटर बिल्कुल नहीं डाला इसमें, बिल्कुल अलग तरीके से सब्ज़ी बनी है, और इसको ज़रूर इसी तरह से बनाइएगा तभी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए उसको ढक देते हैं, ये देखिए ये हो गया हमारा, और बिल्कुल गल गया खूब अच्छे से। और बस अब इसमें इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा, देखिए ये धनिया डाल दिया मैंने इसमें, धनिया डाल दिया मैंने इसमें, और इसमें मैं टमाटर नहीं डाला था, इसलिए मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी, बहुत थोड़ा सा जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये देखिए। और थोड़ा सा मैं मैगी मसाला भी डालूंगी, कि जो मुझे बहुत ही सब्ज़ियों में अच्छा लगता है, आपको भी पसंद है एक बार ज़रूर मैगी मसाला डालकर इसमें जो है आप देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है ये। और इसको बस 5 मिनट इसको ऐसे करके चला के भून लेंगे, और ये देखिए हमारी तैयार हो गई है, कितनी बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी, कैबेज की, पत्ता गोभी, और साथ में मटर, और साथ में इसमें हमारे पड़ी ब्रोकली। तो देखिए कितनी बढ़िया रोटी, पराठा, पूड़ी, राइस, जिसके साथ चाहे खाइए, और इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए एक बंद गोभी, और हमारा ये देखिए ब्रोकली और मटर, इसकी सब्ज़ी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और ज़रूर इसको एक बार बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। मैंने इसको बनाया है और खाया भी है, सबको घर में बहुत को बहुत ही पसंद आया है, और आप भी इसको बनाइएगा, और पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करेंगे, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको न्यू को भी मेरा वीडियो जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अगली वीडियो का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।